तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी भी इंस्टाग्राम की सभी चैट डिलीट हो गई है और आप उन चैट को दोबारा से रिकवर करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप अपनी डिलीट हुई चैट को दोबारा से अपने इंस्टा अकाउंट के ऊपर ला सकते हैं। तो कौन सी ट्रिक है और किस प्रकार से आप अपने फोन के अंदर डिलीट हुई चैट को दोबारा वापस ला सकोगे, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन दबाना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर उस ट्रिक का यूज आप अपने स्मार्टफोन में कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं आ गया हूँ दोस्तों अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आपको यहाँ से प्रोफाइल लोगो के ऊपर क्लिक कर देना है और अब आपको यहाँ से थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेंटर, इसके ऊपर टिक कर देना है। अब फाइनली आपके सामने एक न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। आपको यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से साइड में स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने आपका अकाउंट शो हो जाएगा। तो आपको यहाँ से अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है और यहाँ से नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो जो सेकेंड वाला ऑप्शन है दोस्तों, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग वगैरह होगी और आपके सामने एक न्यू पेज क्रिएट होगा। आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा मैसेज का, इसके ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो आपको यहाँ से दोबारा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक न्यू पेज क्रिएट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से डेट रेंज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से जितने दिन की भी आप चैट निकालना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है। जैसे हम 1 ईयर की यहाँ पे चैट निकालने वाले हैं, अगर आप इससे ज़्यादा निकालना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग वगैरह होगी और आपको यहाँ दोबारा डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर ये प्रोसेस पूरा कर देते हैं तो जो भी आपके फ़ोन में जीमेल अकाउंट चल रहा है उस जीमेल अकाउंट के ऊपर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा। जैसे ही आप उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी फाइल सेव हो जाएगी, जिसमें दोस्तों आपकी सभी चैट सेव हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में आते हुए एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।